नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल में। मित्रों, आज शाम 7 बजे कुंभ राशि वाले लोगों के जीवन में यह घटनाएं आपका इंतजार कर रही हैं। अगर आप अकेले हैं और एकांत में हैं तभी इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि वह कहते हैं ना, मनुष्य के जीवन में बदलते हुए समय के साथ साथ मनुष्य के आचार विचार और मनुष्य के व्यवहार में परिवर्तन होता रहता है। मनुष्य को उनके कर्मों के अनुसार से फलों की प्राप्ति होती है, परंतु कुछ ऐसे भी भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में वर्तमान में ऐसे संकेत मिलते हैं जिससे कि भविष्य को जाना जा सकता है कि आपके भविष्य में आखिर क्या होने वाला है। तो दोस्तों, आज शाम 7 बजे जो आप लोगों के जीवन में घटनाएं घटित होने वाली हैं वे आपके भविष्य को निर्धारित करेंगे कि आपके भविष्य में आखिर कौन सी ऐसी घटनाएं घटित होंगे जो आप लोगों के जीवन के काया पलट करके रख देंगे, यानी कि आप लोगों के जीवन में हर प्रकार के दुखों तकलीफों और परेशानियों को दूर करके रख देंगे। आपको बताएंगे सारी जानकारी विस्तार से, वीडियो को आखिर तक देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि रोजाना राशिफल आपको समय से मिल सके और आप आने वाले दिनों को बेहतर बना सकें। तो मित्रों, कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहेंगे कि आप लोगों के जीवन में बड़ी सफलता की प्राप्ति होंगे। बिजनेस व्यापार के क्षेत्र में शुभ समाचारों की प्राप्ति भी होने वाली है। इस समय धन को लेकर, बिजनेस को लेकर, व्यापार को लेकर, व्यवसाय को लेकर बहुत ही बड़े शुभ समाचारों की प्राप्ति आपको आपके जीवन में मिलने वाली है। आप लोगों के दाम्पत्य जीवन में बड़ी खुशखबरी की प्राप्ति भी होने वाली है। इस समय किसी भी कार्य को करने से पहले अच्छे से विचार करने के अवश्य कोशिश करें। किसी से भी आप बिना सोचे समझे किसी भी बातों को करने से परहेज करें। आप लोगों के दाम्पत्य जीवन में लगातार सफलता की प्राप्ति होंगे। व्यवसायिक मतभेद आप लोगों के दूर होंगे। आपको कार्य क्षेत्र में भी शुभ समाचारों की प्राप्ति होंगे और भगवान विष्णु जी के कृपा से आप लोगों के दाम्पत्य जीवन में भी बहुत ही बड़ी सफलता की प्राप्ति होने वाली है। आप लोगों को शुभ समाचारों की प्राप्ति भी होने वाली है तथा कार्य क्षेत्र में भी आप लोगों को काफी अच्छे परिणामों की प्राप्ति होंगे। भाग्य का साथ मिलने के कारण कुंभ राशि के लोगों को लाभ मिलेंगे। आप लोगों के बदलती हुई परिस्थितियां आपके जीवन में परिवर्तित करेंगे। आप लोगों को दुर्लभ संयोगों के निर्माण से आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति भी होने वाली है। आप बिना सोचे समझे किसी भी कार्य को करने से बचने के अवश्य कोशिश करें। आपको लगातार उन्हीं फैसलों को लेने की जरूरत होंगे जो आपके लिए उपयोगी रहेंगे या आपको जीवन में आगे बढ़ा सकते हैं। आप किसी भी फील्ड से जुड़े हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य को करते हैं, आपको हर एक कार्य को बहुत ही समझदारी के साथ, बहुत ही इज्जतदारी के साथ करने की जरूरत होंगे। किसी भी कार्य को छोटा बड़ा समझने की बिल्कुल भी भूल ना करें। आप लोगों को हर कार्य को बेहतरीन तरीके से अंजाम देकर ही करने की जरूरत होंगे, तभी आप जीवन में सफल हो सकोगे और कुछ नया करने के कोशिशों में भी सफल हो सकते हैं। चुनाव का अंत भी अवश्य होंगे। आप लोगों को व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में भारी मुनाफे की प्राप्ति होंगे। आपके द्वारा बनाए गए सभी संपर्क भी लाभदायक साबित होंगे। आपको अपने शत्रुओं पर भी विजय को हासिल करने का मौका मिलेंगे। आप लोगों के जीवन में आने वाले खुशियां भी दुगनी हो जाएंगी। आप लोगों का मन बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होंगे। आप लोगों को जीवन साथी से मिलने का मौका भी मिलेंगे। कारोबार और व्यापार के क्षेत्र में आप लोगों को बहुत ही बड़ी खुशखबरी की प्राप्ति होंगे। व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में भी आपको अच्छे मुनाफे की प्राप्ति होंगे। आप लोगों के सभी बिगड़े हुए कार्य भी बनेंगे। आप लोगों को बड़े खुशखबरी की प्राप्ति होंगे और रोजगार को बढ़ाने के कई सारे सुनहरे अवसरों की प्राप्ति होंगे। आप अपने कार्यस्थल में भी बदलाव करने के बारे में विचार कर सकते हैं और किसी बड़े खुशखबरी को भी आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। यह समय आपको आपके जीवन में हर प्रकार के दुखों तकलीफों और परेशानियों से भी आपको छुटकारा दिलवाएंगे। मित्रों, सच्चे मन से आप भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना जरूर करें, क्योंकि उन लोगों की पूजा करने से आप लोगों के जीवन की परेशानियां, कष्टें और समस्याओं का अंत हो जाएंगे। बड़ी बड़ी खुशखबरी भी आपको मिलना प्रारंभ होंगे। आप लोगों के जीवन में दुखों का अंत होगा। आप लोगों के जीवन में सुख समृद्धि के साथ साथ कई प्रकार के महत्वपूर्ण योगदानों को करने के मौके भी मिलेंगे। आप लोगों को सरकारी क्षेत्र में भी बड़ी खुशखबरी की प्राप्ति होंगे। दुखों को दूर करने का मौका भी प्राप्त होंगे। मित्रों, यह समय आप लोगों के लिए बहुत ही खास रहने वाला है, बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। आप लोगों के जिम्मेदारी में बढ़ोतरी होंगे। कार्यस्थल में भी आप लोगों के सुख शांति बने रहेंगे। करियर
के क्षेत्र में भी बहुत जल्द बड़ी खुशखबरी की प्राप्ति होंगी। आपके लिए परिवार में खुशी का वातावरण भी बने रहेंगे। आप लोगों का आने वाला समय बहुत ही अच्छा रहेंगे। आपको जीवन में समय और भाग्य का साथ में मिलेंगे। कार्य क्षेत्र में और ऑफिस में आप अपने भविष्य के प्रति खुद को उत्साहित भी महसूस कर सकते हैं। व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में आपको तरक्की करने के कई सारे नए अवसर भी प्राप्त होंगे। काम काजों में वृद्धि होंगे और विभिन्न स्रोतों से आप लोगों को पैसों की प्राप्ति भी होने वाली है। आप लोगों के धन के क्षेत्र में बढ़ोतरी होंगे। बिजनेस व्यापार के क्षेत्र में बढ़ोतरी की प्राप्ति होंगे। आप लोगों को बताना चाहेंगे कि आप जो भी क्षेत्र से जुड़े हैं, आप चाहे व्यापारी वर्ग के जातक हैं, व्यवसायी वर्ग के जातक हैं, आप लोगों का समय बदल रहा है और आप लोगों के समय बदलने के साथ साथ आप लोगों के जो दुश्मन आपको नीचा दिखाने का प्रयास किया करते हैं, आप लोगों के साथ किसी न किसी रूप में आप लोगों को परेशान करने की कोशिशों में लगे रहते हैं, उन सारे के सारे दोस्तों को भी, उन सारे के सारे दुश्मनों को भी आपकी बार सजा की प्राप्ति होंगे। आप लोगों के जीवन में धन की देवी माता लक्ष्मी जी की खुशियां बनी रहेंगे। आप लोगों के जीवन में सुख और शांति बने रहेंगे। परिवार वालों का पूरा सहयोग भी आपको मिलेंगे। आप लोगों का समय बहुत शुभ रहने वाला है और कुछ अटके हुए कार्य को पूर्ण करने से आप लोगों को लाभ की प्राप्ति होंगे। आपको शिक्षा के क्षेत्र में नई ऊंचाई को छूने का मौका मिलेंगे। आप दिन दोगुने रात चौगुने तरक्की हासिल करते हुए नई मिसाल को कायम कर सकोगे। जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी के मामले में आपको लाभ की प्राप्ति होंगे। धन के क्षेत्र में भी आप लोगों को बढ़ोतरी की प्राप्ति होंगे तथा विशेष फायदे भी आप लोगों को प्राप्त होने वाली हैं। धन संबंधित कोई फायदा होने का योग भी बन रहा है। जितना आप गरीब जरूरतमंद लोगों की मदद करेंगे उतनी ही तेजी से समाज में भी आपको अपने अलग छवि अलग पहचान अलग रेपुटेशन को बढ़ाने का मौका भी मिलेंगे। आप लोगों के थोड़े प्रयासों से आप लोगों के सभी कार्य सिद्ध होंगे। सामाजिक कार्य को करने की प्रेरणा भी आप लोगों के जीवन में आने वाली है। आप लोगों के दुखों और दरिद्रताओं संकटों और समस्याओं इन सारी की सारी गतिविधियों से भी आप लोगों को छुटकारा मिलेंगे। आप लोगों की आमदनी में बढ़ोतरी होंगे। व्यापारिक व्यवसाय की स्थिति को लेकर आप लोगों की सारी योजनाएं भी अवश्य सफल होंगे। बस आप ईश्वर पर भरोसा रखें, कार्य को करें। आप लोगों को हर क्षेत्र में बड़ी कामयाबी की प्राप्ति होंगे। आप लोगों के शान शौकत में भी अवश्य बढ़ोतरी होंगे। आपके द्वारा बनाया गया नया कार्य भी बहुत ही फायदेमंद साबित होंगे। आप लोगों को अपनों के प्रति कुछ नया करने का प्रयत्न करने होंगे जो आपके लिए बहुत ही शुभ रहेंगे। बहुत ही काफ़ी ज़्यादा कामयाबी के स्तर में बढ़ोतरी करेंगे। दोस्तों की ओर से भी आप लोगों को अच्छी मदद मिलेंगे। शेयर बाजार में निवेश कर सकते हैं और कुछ बड़े अटके हुए कार्य भी आप लोगों के जल्दी खत्म होंगे। परिवार जनों के साथ रिश्ते भी काफ़ी अच्छे होंगे। पारिवारिक रिश्ते भी आप लोगों के मजबूत बने रहेंगे। आपको पार्टनर की ओर से कोई अच्छा सहयोग भी प्राप्त होने वाला है। जीवनसाथी की भावनाओं को समझने की अवश्य कोशिश करें। आपका दिन बेहतर बने इसके लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। आपका दिन शुभ हो, मंगलकारी हो। जय मां विंध्यवासिनी।